नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि और लग्न दोनों के लिए ही गुरु का जो ट्रांजिट शुरू हो चुका है धनु में, उसमें आपको वास्तविक परिणाम क्या मिलेंगे, एकदम रियल रिजल्ट आपको हम बताएंगे। और आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी भी वीडियो में आपको एकदम एक्चुअल रिजल्ट नहीं बताए गए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुरु का जो नक्षत्रों में ट्रांजिट है उसकी, और उसके अनुसार आपको रिजल्ट थोड़े गहराई से बताएंगे जिससे आप इनको अच्छे से समझ पाएं। देखिए, यहाँ पर शनि और केतु का साथ भी गुरु को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का निर्माण होगा। और राम मंदिर वाला जो फैसला है वो आप देख ही चुके हैं गुरु के चेंज होते ही। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूजन हैं अभी कुछ मामलों में, या जो पेंडिंग मामले चल रहे हैं अपनी खुद की लाइफ के, वो अभी आपको पूरे होते दिखेंगे। कुछ आपके टारगेट हैं वो आपको पूरे होते हुए जो है नजर आएंगे, आप अपने कुछ टारगेट अचीव करेंगे इस समय में। तो देखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और बात करते हैं सबसे पहले जो अभी यानी कि 4 जनवरी तक, फिलहाल 5 नवंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक ये मूला नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे गुरु। इसके बाद अगला जो नक्षत्र होगा वो 4 जनवरी 2020 से 7 मार्च 2020 और वक्री काल के बाद जब गुरु वापस ट्रांजिट करेंगे तो 26 जुलाई 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो ये दो टाइमिंग हो गई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के। इसके बाद 7 मार्च से 26 जुलाई 2020 और 30 अक्टूबर से 19 नवंबर 2020 तक का समय है उसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा गुरु 7 मार्च 2020 से 26 जुलाई 2020 तक उत्तराषाढ़ा में वर्गोत्तम भी रहेंगे। तो ये गुरु का नक्षत्रों में ट्रांजिट रहेगा। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप पूरा देख सकते हैं कि कब कब कौन कौन से नक्षत्र में रहेंगे, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब देखिए, तुला राशि और लग्न दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो दोनों के अनुसार ही आपको क्या क्या रिजल्ट रहेंगे। गुरु का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहेगा, यानी कि धनु राशि अगर आपका तुला राशि, यानी कि आपका अगर तुला लग्न है तो राशि, तो देखिए आपकी कहीं भी आपके चंद्रमा हो सकता है, राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये वीडियो राशि के लिए है, लेकिन लग्न से अगर यहाँ देखेंगे तो थर्ड हाउस में ही आएगा। और फिर आप यहाँ पर चंद्रमा, यानी चंद्रमा जिस भाव में आपके होगा, मान लीजिए 7 नंबर किसी भाव में, फिर आप उसको यहाँ रखें अपने लगन में, यानी सबसे पहले हाउस में आप 7 नंबर रखें, जहाँ भी आपका चंद्रमा है 7 नंबर के साथ, उस 7 नंबर को आप यहाँ रखेंगे तो थर्ड हाउस में 9 नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बनेगा, थर्ड हाउस में गुरु शनि और केतु तीनों एक साथ बनेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। गुरु देखिए चीज़ों को एक्सपांड करने का काम करते हैं, जहाँ भी जिस भाव में भी गुरु बैठते हैं वहाँ चीज़ों को विस्तार देते हैं, एक से अधिक चीज़ें बना देते हैं। तो बृहस्पति एक गुरु हैं जो चुनौतियों को पसंद नहीं करते, तो आप इस समय में यानी जो थर्ड हाउस से हमें चुनौतियां मिलती हैं उनको पसंद नहीं करेंगे, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ा सा लेजी फील करेंगे, और कोई भी जो नया अवसर है वो आपके सामने जरूर उपस्थित होगा, लेकिन आप अपने कोई भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, आपके सामने फिर भी गुरु नए अवसर पेश करेंगे और उनका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करें। 5 नवंबर से 4 जनवरी यानी 5 नवंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक या तो आपको गुरु छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करवाएंगे काफ़ी ज़्यादा, या बिल्कुल भी आपको यात्रा नहीं करवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से देखें। इसके अलावा आपकी जो यात्राएं हैं वो अवरुद्ध रहेंगी, कहीं भी जाने का मन नहीं रहेगा, घर पर ही रहो। यहाँ गुरु आपको कोई जो है राइटिंग में रुचि पैदा कर सकते हैं, अगर आप आर्टिकल राइटिंग से जुड़े हैं, टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप राइटर हैं या किसी भी प्रकार का आप जर्नलिज्म से जुड़े हैं,
तो आपको राइटिंग में विशेष रुचि रहेगी। और विशेष रुचि राइटिंग में कब रहेगी? जब हम कुछ पढ़ेंगे तभी। तो आप इस समय में कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़ेंगे भी और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो जो लोग आर्टिकल राइटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अध्यात्म से जुड़े हुए जो विषय हैं उनसे संबंधित लोगों से चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का हाउस है और कम्युनिकेशन के हाउस में यहाँ अध्यात्म का जो है बहुत ही उच्च जो है एनर्जी निर्माण हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निर्माण हो रही है यहाँ पर थर्ड हाउस में। इस वजह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है रिलीजियस थिंग्स पर विचार कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ बता सकते हैं पब्लिक को। तो इस प्रकार से आपकी ये जो बातचीत रहेगी उसमें आप रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा शेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर और आपके लिए क्या क्या होगा, गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने के बाद आपके सामने नई संभावना और नए अवसर पैदा करेंगे जहां आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके आगे बढ़ सकेंगे। 29 मार्च 2020 से 26 जून 2020 के बीच आप अपनी रुचि वाले कार्य करेंगे, जिन कामों में आपकी रुचि है वो काम आप करेंगे, जो आपका पैशन है वो आप पूरा करेंगे। घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं। मकर में जब गुरु प्रवेश कर जाएंगे यहाँ फोर्थ हाउस में, तब आपको ये क्या देंगे, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद आपको आलसी बनाएंगे, आप अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे, बस आप आराम पसंद हो जाएंगे और यहाँ गुरु हो जाएंगे नीच के। तो आपको आपके फोर्थ हाउस में थोड़ा जो है आराम पसंद बना देंगे। वक्री होने के बाद यानी वक्री काल जो 122 दिन का रहेगा उसमें आपके सामने बहुत सारे नए अवसर गुरु पेश करेंगे, जहां आप अपने ज्ञान को फैला सकें। जो ज्ञान आपने पहले प्राप्त किया है यहां पर उसको आप इस समय में विस्तार देंगे और अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करेंगे अपने ज्ञान का प्रयोग करके। इस समय आप अपनी कमजोरी को पहचानेंगे, यानी जब मकर राशि में यहाँ गुरु होंगे तो आपकी कमजोरी है उसको आप पहचान पाएंगे, साथ ही साथ अपने जो टारगेट हैं उनको आप अचीव कर पाएंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा। धन्यवाद।